तर शिक्षण संस्थांमध्ये हिजाब वापराबाबत कर्नाटक हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे आम्हाला न्याय मिळालेला नाही, त्यामुळे आम्ही हिजाब वापरणारच अशी भूमिका कर्नाटकमधल्या मुस्लिम विद्यार्थिनींनी घेतली आहे। या निकालाला विरोध करत कर्नाटकमध्ये मुलांनी परीक्षेवर बहिष्कार टाकलाय। हिजाब वापरणं हे इस्लाममध्ये बंधनकारक नाही असं निरीक्षण नोंदवत कर्नाटक हायकोर्टानं राज्य सरकारच्या हिजाब बंदीचा निर्णय कायम ठेवलाय। त्यावर प्रतिक्रिया देताना बीबी मुस्कान खान हिनं न्याय न मिळाल्याची भावना व्यक्त केली आहे। हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचंही तिनं पत्रकार परिषदेत सांगितलंय। तर यावर असदुद्दीन ओवेसी, हुसेन दलवाई आणि खासदार अरविंद सावंत यांच्यासह इतर नेत्यांनी काय प्रतिक्रिया दिल्या आहेत पाहूयात। हिजाब और टर्बन को अलाउ किया अपनी पुलिस में तो उसमें वेलकम किया, आज आप क्यों उसको खिलाफ कर रहे हैं? तो इसीलिए हर एतबार से ये संविधान के जो हमने आपसे कहा राइट टू कल्चर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस और आर्टिकल 15 का ये वायलेशन होता है। और संविधान का प्रियाम्बल जो है ना, प्रियाम्बल बड़ा इम्पॉर्टेंट है। प्रियाम्बल क्या कहता है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, तो ये सब चीजें। इसलिए उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसको अपील किया जाए। हमारे एक MIM पार्टी के नेता हैं जो कर्नाटका के, उन्हें भी पिटिशनर हैं, हमारी उनसे बात होगी, हम उनसे भी कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। और इसका एक और जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, आप देखेंगे कि मुस्लिम महिलाओं पर टारगेटिंग होगी उनकी जगह जगह पर। मॉडर्निटी की निशानी यह है कि हिजाब ना पहने, मॉडर्निटी की निशान यह है कि हम सब चीज अपने रिलीजन के प्रैक्टिस छोड़ दें। ये मॉडर्निटी ये नहीं है, हम इसको नहीं मानते इन चीजों को। भाई संविधान के तहत मुझे अपने कल्चर को, अपने फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस को, एक्सप्रेशन को लेकर चलने की इजाजत है। जहां तक हिजाब का मामला है, भारत में हिजाब पर प्रतिबंध नहीं है, हिजाब की इजाजत है। आप किसी भी बाजार में है, मार्केट में है, महफिल में है, किसी अन्य जगह पे आप हिजाब पहन सकते हैं। लेकिन जहां पर संविधान के अधिकार की बात हो रही है, वहां पर संविधान के कर्तव्य की भी बात है। अगर आपके संवैधानिक अधिकार हैं तो उन संस्थाओं के भी संवैधानिक अधिकार हैं, जो संस्थाएं कि अपने ड्रेस कोड, डिसिप्लिन के जरिए वहां पर शिक्षा का काम कर रही हैं। आप केवल अधिकार की बात करेंगे और संविधान में कर्तव्यों की कोई अनदेखी करेंगे, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हिजाबचा जो निर्णय आलेला आहे किंवा हिजाबचा प्रश्न निर्माण केला गेला, या मुस्लिम मुला मुली मोठ्या प्रमाणात शिक्षाला शिकायला लागल्या, शाळेत जायला लागल्या, ते त्यांचे दरवाजे बंद करावे यासाठी हिजाबचा चे मुद्दा उपस्थित केला गेला। म्हणजे एका शाळेच्या एका भागामध्ये कर्नाटकात निर्माण झालेला प्रश्न ऑल इंडियाला कोण घेऊन गेलं? मुसलमानच घेऊन गेले। हे असं का होतं हे लक्षात घेतलं पाहिजे। मुस्लिम समाज हा इमोशनल आहे आणि त्याचा फायदा बरोबर RSSला आणि भाजपला मिळतो। आदरणीय उच्च न्यायालयाने हिजाब के बारे में जो निर्णय दिया है, हम सभी लोग इस देश में न्यायालय का आदर करते हैं और न्यायालय के मार्फत आया हुआ जो भी निर्णय है उसका आदर करना है। रही बात कि इसके ऊपर जो राजनीति खेलना चाहते हैं दोनों भी गुट, उनकी निर्वसना करता हूँ मैं। राजनीति मत खेलो, देश को विभाजनकारी रास्ते पर मत लेकर जाओ, क्योंकि उसको लेकर जो कर्नाटक में राजनीति हुई वो देश के लिए अच्छी नहीं, न कि जनतंत्र के लिए अच्छी है। अंतर्मुख हो जाओ और आगे बढ़ो।